हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। उठ गया हूँ मैं। टाइम हो रहा है 11 बजे थे सुबह के, और नाश्ता कर रहा हूँ फिलहाल। अभी नहाया धोया न्यू, और पहले पेट पूजा होनी चाहिए। और नाश्ते में ब्रेड, चटनी, चाय, और है ना सबके लिए ब्रेड बने अभी। और दिन में लंच बनेगा सबके लिए। लंच में होगा ये अपना कुछ पूड़ी सब्जी होगी, वेज बिरयानी। मैं वेज बिरयानी थोड़ी ना होगी, वेज बिरयानी तो रात को आई थी। अब पूड़ी सब्जी हलवा हुआ शायद, जहाँ तक मेरा इरादा है, बाकी मुझे पता नहीं है। और गाइस, नया दो है न्यू में, लाइट चली गई, गीजर ऑन तो कर नहीं सकते, पर हमारा गौरव भाई तो ठंडे पानी से नहाए। अब लाइट आएगी, जब गीजर चालू होगा तब नहाऊंगा यार। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यार, कभी तबीयत वबीयत ख़राब हो जाए दिक्कत हो जाएगी ना फिर। फिलहाल तो अभी खाता हूँ, भूख लग रही है। आज भी रिस्क लेना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि अभी तक लाइट नहीं आई, और मुझे नहाना जल्दी से मंदिर में जाना दर्शन करने के लिए, तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा यार। चलो कोई नहीं, रिस्क भी जरूरी है लाइफ में। अब नहाते ठंडे पानी से, कुछ ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है। दिक्कत क्या है ना, देखो धूप भी नहीं आ रही यहाँ पर। अगर धूप आती ना तो गर्मी हो जाती, मतलब थोड़ी बहुत। अब धूप भी नहीं आ रही तो हवा भी चल रही है, अब ठंड लगेगी नहाती। और देखो एक दूसरी बात, बिल्कुल छत पे ही है नहाने का ना बाथरूम। देखो बिल्कुल छत पे है, यहाँ नहाना पड़ेगा। देखो समझ लो, चलो कोई नहीं, रिस्क लेते हैं, देखते हैं। तो एक से लोग नहाते हुए ठंडे पानी से, ये बस कर सुंदरिया, ए ब्यूटी। तो गाइस फाइनली नहा धो के रेडी हो गए, और गौरव भाई यहाँ पर कृष्ण जी की राधा रानी की फोटो खींच रहे हैं। सही है, चल जल्दी चलो, हम मंदिर में चलते, जल्दी से दर्शन करके आते हैं। और नंगे पैर जा रहे हैं हम, शूज चप्पल हमने अपने कमरे में उतार दिया, अब नंगे पैर चलेंगे यहाँ से। 1.5-2 किलोमीटर है, चलो पैदल चलेंगे पैदल। जो हमारा खाने का भंडारा भंडारा लंच वंच बन रहा है ना, वो बन रहा है यहाँ पे। और जो ब्रेड पकौड़े बने थे वो भी यहीं पे बने थे, ये अंकल ने बनाए हैं, टेस्टी बन रहे थे बढ़िया ब्रेड पकौड़े, मज़ा आ गया खाना। लंच में थोड़ा टेस्टी बनाना, बन गया। चलो आ रहे अभी, जल्दी चलते हैं, पैर में पत्थर चुभ रहे हैं। तो गाइस देखो कैसा लग रहा हूँ मैं, वाइट शेड में सुंदर लग रहा हूँ। मैंने ना यहाँ पर तीसरा व्लॉग है शायद मेरा, इस धर्मशाला का 3 व्लॉग बना दिए मैंने यहाँ की, इसी धर्मशाला में रुके और ताऊजी के साथ ही आया हर बारी। और व्यू चेक कर लो, कती जहर व्यू आता हुआ है यहाँ का, देख खेतों में पानी चल रहा है। यहाँ से ना डेढ़ या 2 किलोमीटर होगा बस मंदिर, तो मैंने इससे बोला चल पैदल ही चलते हैं और नंगे पैर अब जाएंगे। और एक दिक्कत और हो गई गाइस, पता क्या हुआ भाई, मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, 25% बैटरी है, और वहाँ पर बत्ती भी नहीं आ रही थी, लाइट भी नहीं आ रही थी। अब चार्ज वार्ज नहीं किया मैंने फ़ोन, रेत है यहाँ, यही दिक्कत है बस यहाँ की। यहाँ पर मिट्टी है ना, बहुत मिट्टी उड़ती है, कपड़े वपड़े सारे गंदे आते हैं, वाइट गलत पहन लिए मैंने, ये देखो रेत सारा उड़ता है मिट्टी। तो गाइस मंदिर की लाइन में लग गए हम, और मेरे फ़ोन में सिर्फ 15% बैटरी बची है, कभी भी बंद हो सकता है मेरा फ़ोन। और फ़ोन बंद हो जाएगा ना फिर गौरव के फ़ोन से शूट करूँगा, ठीक है भाई। कितनी बैटरी है फ़ोन में? 100%, ठीक है, 100 के आसपास ही है, 92। लाइन रुकी हुई है बड़ी देर से। तो फाइनली गाइस मंदिर में दर्शन करके आ गए हम, और
काफी अच्छे दर्शन हुए हमारे। और अब रुके हम भाई की दुकान पे कला भवन के नीचे इत्र लेने के लिए, जो कि भाई बहुत अच्छे इत्र बेचते हैं और मैं तो इनसे हर बार इनसे इत्र लेता हूँ। तो इत्र लेते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है इनके पास, देखो इनसे इत्र लेते हैं और फिर निकलते हैं कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है। तो गाइस हम आए हैं चाय पीने, ये देखो अब चाय पीते हैं और ये प्रसाद है, ये इत्र है इस वाले थैले में। तो चाय पीते हैं और अपनी धर्मशाला की तरफ निकलते हैं, और अभी शाम कुंड पे भी जाना है हमारे को, गोरख को शाम कुंड दिखाना है, फिर शाम कुंड पे चलेंगे चाय पीने के बाद। तो गाइस अभी हम शाम कुंड पे आ गए हैं, ये देखो ज़्यादा भीड़ नहीं आई शाम कुंड पे, और नीचे होके आ गए हम। पानी गर्म हो रहा है अंदर का, है ना, ठंडा है, गर्म है तो मैं ठंडा नहीं हूँ। चले बोल आ रहे पापा, आओ कह रहे हो खाना वाना खा लो आके, चला। तो गाइस मंदिर में दर्शन करके और जो भी वहाँ पर शॉपिंग करनी थी वो करके वहाँ से आ गए, अब धर्मशाला पे जा रहे हैं। वहाँ जाके हम भंडारा भंडारा लंच करेंगे अपना, और पापा का कॉल आया था कि जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, और उसके बाद भैरव मंदिर भी जाएंगे जो कि रिंगस पे है। देखते हैं अभी जाएंगे शाम को जाएंगे, फिलहाल तो अभी अपने धर्मशाला में चलते हैं और खेतों में पानी दे। भाई यू बड़ा कैला है यहाँ का, जो बात है इधर है इधर शर्ट गंदी हो गई यार पूरी, जो ने बोला था ना पोते यहाँ मच्छर यार बहुत ज़्यादा है, मच्छर चिपक रहे शर्ट पे, ये देखना मच्छर चिपक रहे उड़ते उड़ते अपने आप ही, गंदी हो रही है सारी, चेंज कर लूँ मैं आगे। यही मोनू भ्राता पत्तल बांटते हुए परेशान है, आलू पूरी का बढ़िया बना, और हम भी पत्तल बांटते हुए प्रसाद का। तो गाइस धर्मशाला पे आ गए थे हम और हमने पूरी सब्जी खाई है, बड़ी टेस्टी बन रही थी। मैंने आपको आज दिन में लंच में लेगा उसमें पूरी सब्जी हलवा ऐसे कुछ होगा, पर हलवा नहीं था सिर्फ पूरी सब्जी थी, हमने वो खाई है, काफ़ी टेस्टी बन रही थी। और है ना देखना मच्छर अभी भी चिपक रहे हैं इस पर, पता नहीं इतने सारे मच्छर कैसे हो रहे हैं, वाइट शर्ट ना वाइट पर चिपक रहे हैं, और हम लोग पत्थरों पर आगे खड़े हो गए। सामने हमारी धर्मशाला है और धर्मशाला के सामने ही पत्थर है, सिल्ली सिल्ली कहते हैं ना इसे, सिल्ली है ये, सिल्लिया पत्थर की सिल्लिया, बहुत भारी भारी। ये देखो फोटो शूट कराने आए हैं गौरव भाई, यार यार पागल है गौरव भाई बोल के आए फोटो शूट कर दिया वहाँ चल लिया। मैंने कहा ठीक है चल, फ़ोन भी चार्ज करा मैंने आते ही, तो मैं गौरव के फ़ोन में शूट कर रहा था मंदिर में ही, मंदिर में भी गौरव के फ़ोन से शूट किया था और वहीं पर भी। और ओए देखना खतरनाक है एकदम, कूद गए आस पे कूद गए, आराम से बाबू आराम से। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो भाई एक घंटा हो गया हमारे को, गौरव भाई की फोटो नहीं खींची अभी तक, मैंने तो इतनी सारी फोटो खींची थी बहुत सारी, पर गौरव भाई ना कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर कभी उधर, पर अब इधर आके खड़े हो गए और इधर भी इनसे फोटो नहीं खींची। ठीक है यार मैंने तो बहुत सारी खींची थी, मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया, फोन में बैटरी भी डाउन हो गई, अभी थोड़ी सी बैटरी करके लाया था, मैं जा रहा हूँ मैं आ जा। ओ यहाँ पर कितने सारे लींडे पड़े हैं, वे मैं यहाँ नहीं खड़ा हो रहा, मैं बदबू आ रही है मेरे को। हम तो भाई माउंटेन एवरेस्ट पे गए हैं। कीर्तन हो रहा अंदर कीर्तन। तो भाई ये वाला शीशा अटक गया था पूरा, टूट गया था ये देखो, अब यहाँ पे तिरपाल लगा दिया हवा ना जाए अंदर।
ये बात तो है, जहाँ पर एक आंटी बैठी थी, बुढ़िया सी आंटी, खिड़की के बाद उनकी गोदी में गिरे सारे शीशे तोड़े, शुक्र है उनके लगी होगी नहीं, पिक्चर आती नहीं। अभी वो आंटी ना खूबी गई थी हम मंदिर के पास। तो गाइस 4 बजे हम रूम पे आके सो गए थे, क्योंकि नींद आ रही थी बड़ी तेज, और अभी 7:15 का टाइम हो रहा है। अब उठे हम और पैकिंग वैकिंग करिए, निकलने का टाइम है, क्योंकि अब ये बैग वगैरह लगा रहा है गौरव भाई, और कच्चे अपने ना वो अपने हैं रख ले जाए। हैं क्या जैकेट पहनेंगे? हाँ, और है ना गाइस नीचे है ना टिक्की मिल रही है, टिक्की और पता नहीं दही बल्ले या कुछ है, मैंने अभी ऊपर से जाग के देखा है, तो जल्दी चलते खाते हैं, भूख लग रही है ऐसी बड़ी तेज। आ गया गौरव, ये देखो सारे खा रहे हैं, जल्दी चलो ये भाई बनवा लो। हेलो हेलो, हाँ गोलगप्पे खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं। तो गाइस देखो, जिम करके ना इतनी जान आ गई मेरे में, एक हाथ से पत्थर उठा दूंगा इतना बड़ा। ऊपर तक इसे कहते हैं जिम की बॉडी पकड़। तो गाइस देखो, अभी मैंने पत्थर उठाया था एक हाथ से, ये होता जिम करने का फायदा, ठीक है। अब गौरव भाई देखते उठा पाते नहीं उठा पाते। अबे यार जा उठा के दिखा दे, देख मान जाऊंगा तेरे को। मैं मैंने एक उंगली से उठाया था, वो तोड़ दिया तूने, वो तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, दरार आ गई गाइस। वाह वाह भाई वाह, मेरे से भी ज़्यादा जान है तेरे में, तू भी जिम जाता है ना इसलिए। गाइस वहाँ पे तो खाना बन रहा है, और खाने में बन रहे हैं राजमा चावल, राजमा चावल लपेटेंगे, और लपेट के बस में बैठ के सीधा अपने दिल्ली के लिए, और बीच में रिंगस पे कोई भैरवा का मंदिर बता रहे हैं, वहाँ रुकेंगे दर्शन करेंगे, और दर्शन करके सीधा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, और दिल्ली पहुँचेंगे हम सुबह ही 4-5 बजे पहुँचेंगे वही। जल्दी लपेटते यार, भूख लग रही है बड़ी तेज। अंकल से मजे लूँगा। हाँ अंकल कैसा बन रहा हलवा? बड़ा जोर का बना है, बढ़िया बन रहा है। काजू काजू बादाम नहीं दिख रहे इसमें, ये आ गया बादाम, ये आ गया काजू। अच्छा, और ये देखो किशमिश, किशमिश ठीक है, आप आइए टेस्ट करिए अच्छे से, अभी करेंगे। राजमा चावल और मूंग की दाल का हलवा, वो भी देसी घी का, हम लेके आ गए ऊपर रूम में, यहीं बैठ के खा रहे हैं, अब खा पी के फिर निकलेंगे, बस में बैठेंगे, और बस में बैठ के अपना आपको बताया था। तो गाइस खाना पीना खा के हम धर्मशाला के बाहर अपनी टहल रहे, थोड़ा सा खाना हजम हो जाए, क्योंकि है ना बस में पीछे बैठते हैं थोड़ा अजीब सा मन हो जाता है, इसलिए थोड़ा टहल के खाना हजम कर रहे हैं, और बस भी खड़ी है हमारे सामने ही, बस निकलने वाली है थोड़ी देर में। हमारी बस के 2-3 लोग हैं ना मंदिर में गए हुए हैं, उनके आते ही बस यहाँ से निकल जाएगी। क्या हरकतबाजी कर रहा है, मक्खी आ गई बहुत सारी बस में, शीशे खुले छोड़ दिए ना इसलिए। अब रेस्टोरेंट पर रुके हम बीच में रास्ते में, और अंदर बस में ऐसी नींद आई, बस पूछो मत, सो गए थे, और सीधा यहीं पर आँख खुली है, यहीं आँखें वहाँ से सीधा यहाँ आँख खुली है, और ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है, ये देखो आँख खुली है, और वहाँ बन रहा है
मतलब गर्म हो रहा है खाना, जो राजमा चावल थे ना वो वहाँ गर्म हो रहा है। अब जिसको यहाँ भूख लग रही होगी ना थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, वो खा सकता है। अब हम खाएंगे एक एक पत्तल, पूरी पूरी लग रही है हल्की फुल्की, एक एक पत्तल खाएंगे, उसके बाद बस में ऐसा सोएंगे, सीधा सुबह ही उठेंगे। बहुत गंदी नींद आ रही है, मक्खियों ने परेशान कर रखा है बस में, पता नहीं वहाँ पर हमारे दिल्ली जाएगी मक्खियाँ, खाटू श्याम जी में मक्खियाँ भर गई पूरी बस में, और वो हमारे साथ है ना दिल्ली में जाएगी, वो बाहर नहीं निकल रही, वो बस में बैठी है, क्या कर रहे हैं, भूख लग रही है, पहले पेट पूजा करते हैं। तो गाइस राजमा चावल तो ले लिए हमने, पर चम्मच ख़त्म हो गई, अब आज से खाने पड़ेंगे। और बाबर चम्मच है ना अंदर से लेके आए हैं रेस्टोरेंट में से, हम तो आज से खाएंगे। हाथ धो के आया ना, देख ले। तो फाइनली गाइस हम अपनी नई दिल्ली में पहुंच गए हैं, जहाँ से हम बैठे थे ना बस में, वहीं पर पहुंच गए वापस। और सुबह के 4 बजे, 4 बजे पहुंचे हम, पर अब यहाँ से घर जाएंगे, थक गए बहुत ज़्यादा, नींद आ रही है बड़ी तेज, सोए नहीं, बस में मक्खियाँ इतनी हो रही है और बार बार गड्ढे आ रहे थे, नींद नहीं आती यार बस में, पता ही आपको। अब चलते हैं घर, घर जाके आराम करेंगे आराम से, और इस व्लॉग को यहीं ऐड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री श्याम।